सियासतदान सोहेल जिया भट्ट की साबिक वजीर आजम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया और मरहूमा के एहसाले सवाब के लिए फातिहख्वानी भी की गई। इस मौके पर साबिक MNA उमर सोहेल भट्ट भी मौजूद थे। आपको बताएं कि सीनियर सियासतदान सोहेल जिया भट्ट की साबिक वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया और मरहूमा के एहसाल सवाब के लिए इस मौके पर खसूसी दुआ भी की गई है और फातिहख्वानी भी की गई। साबिक MNA उमर सोहेल भट्ट भी इस मौके पर मौजूद थे। ठीक है, हमारे साथ उमर असलम मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। उमर असलम बताइएगा। बिल्कुल बताते चलें कि सीनियर सियासतदान सोहेल जिया भट्ट और उनके साहबजादे साबिक MNA उमर सोहेल जिया भट्ट ने साबिक वज़ीरे आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ से जाति उमरा रायबंद में उनकी रिहायशगाह पर मुलाकात की। इस मुलाकात के मौके पर सोहेल जिया भट्ट ने मोहम्मद नवाज बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। इस मौके पर मरहूमा की रूह के साल सवाब के लिए फातिहा खानी भी की, जबकि जाति उमरा रायबंद में जो कब्र है बेगम कुलसूम नवाज की उस पर हाजिरी भी दी। मुस्लिम लीग कायद और साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ सोहेल जिया भट्ट और साबिक MNA उमर सोहेल जिया भट्ट ने फातिहा खानी की। मरहूमा की रूह के साल सवाब के लिए इस मौके पर सीनियर सियासतदान सोहेल जिया भट्ट का कहना था कि जो कि इस घड़ी में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ हैं, उनका कहना था कि मरहूमा को के लिए दुआगो है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। जी, मरहूमा की बुलंदी दर्जात के लिए खुसूसी दुआ भी की गई मुलाकात में।